दोस्तों आजकल के समाज में नौजवान लड़कों को हवस का इतना भूत सवार होता जा रहा है कि वो अपने हर एक रिश्ते नाते को भूलते जा रहे हैं और हवस के नशे में अपने ही लोगों के साथ नाजायज रिश्ते बना लेते हैं। दोस्तों आज की कहानी भी एक ऐसे ही लड़की की है जो बहुत दिनों बाद अपने ससुराल गया हुआ था। ससुराल में रहते वक्त उसका अपनी ही विधवा सास के ऊपर दिल आ गया और एक दिन दामाद ने अपने सास को अंधेरे में ले जाकर उसका गेम बजा डाला। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, एएसएन क्राइम अफेयर चैनल में आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। एएसएन क्राइम अफेयर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ढेर सारा शेयर भी कीजिए दोस्तों। दोस्तों चढ़ती जवानी और बूढ़ी हवस की ये कहानी बिहार के छपरा जिले के एक छोटे से गाँव से सामने आई है, जहाँ पर बेहद ही ज्यादा थरकी किस्म का एक राहुल नाम का व्यक्ति रहता था। दोस्तों राहुल का कारनामा इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि ठुकाई ऑपरेटर के नाम से वो अपने आसपास के इलाकों में मशहूर हो चुका था। उसके गांव के कोई भी इंसान अपनी पत्नी या अपनी बेटी को उससे बात नहीं करने देते थे और राहुल को अपने घर के आसपास भी नहीं बैठने देते थे, क्योंकि दोस्तों जिस भी लड़की या औरत की नज़रें राहुल से मिल जाती थी तो राहुल उसको अंधेरे में ले जाकर उसका तबला बजा देता था। ऐसे ही दिन बीतते गए दोस्तों। एक दिन राहुल की शादी हो गई। राहुल ने सुहागरात के दिन अपनी पत्नी की हालत खराब कर दी और उसे एक पोजीशन में ठोकने लगा और ठोकते ठोकते उसकी आत्मा को तृप्त कर दिया। दोस्तों राहुल की पत्नी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका पति इतना बड़ा ठुकाई ऑपरेटर निकलेगा जो उसकी आत्मा को एक ही रात में तृप्त कर देगा। दोस्तों राहुल की अपनी पत्नी के साथ धीरे धीरे अच्छी जिंदगी भी कटने लगी। उसकी पत्नी को भी राहुल के द्वारा सबसे बड़ा खीरा खाने का आदत पड़ चुका था। एक दिन राहुल की पत्नी ने राहुल से कहा कि मुझे अपने मायके जाना है, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। तो दोस्तों जब सुबह हुआ राहुल अपनी पत्नी को लेकर अपने ससुराल पहुँच गया। जब राहुल अपने ससुराल पहुँचा तो उसकी विधवा सास ने खूब अच्छा अच्छा खाना बनाया और शाम को सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले गए। जब रात काफ़ी हो गई, रात के 2 बज रहे थे, तभी रोज़ की तरह राहुल को भी अपनी पत्नी को ठोकने की आदत थी तो उसे अपनी पत्नी की ठुकाई करने की याद आने लगी और वो फिर अपनी पत्नी की ठुकाई करने के बारे में सोचने लगा। कुछ देर सोचने के बाद जब राहुल को अपने आप से कंट्रोल से बाहर हो गया तो वो अपनी चारपाई से उठा और फिर अपनी पत्नी के चारपाई की तरफ जाने लगा। लेकिन दोस्तों राहुल अपनी पत्नी की चारपाई के बजाय अपनी सास के चारपाई पर जाकर लेट गया और फिर सास के कपड़े को हटाकर उसकी अच्छे से ठुकाई करने लगा। जब राहुल ने काफ़ी देर तक अपने विधवा सास के खेत को जोता और जोतने के बाद जब उसे पानी चलाने लगा तभी सास की नींद टूट गई और सास ने कहा कि तुम कौन हो। राहुल ने जैसे ही अपने सास की आवाज़ सुना तो वो हैरान रह गया और फिर बोला, सासू जी मैं आपका दामाद राहुल हूँ, मैंने गलती से आपको आपकी बेटी समझकर ठोकने लगा और आपके खेत की जुताई करने लगा था, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन विधवा सास को काफ़ी दिनों बाद उसके खेत की जुताई हुई थी तो उसे भी अपने खेत को जुतवाने में मज़ा आ रहा था। फिर उसने कहा, दामाद जी अब जब आपने मेरा खेत जोत ही दिया है तो आप एक बार फिर से जोत दीजिए और अच्छे से पानी चला दीजिए, क्योंकि मेरा खेत काफ़ी दिनों से बंजर पड़ा था। दोस्तों सास की इतनी बात सुनकर राहुल के अंदर और ज़्यादा जोश भर गया और फिर राहुल अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपनी बूढ़ी और विधवा सास को नए नए अलग अलग स्टाइल में बजाने लगा। दोस्तों सास को भी बहुत दिनों बाद ठुकाई ऑपरेटर मिल गया था तो उसे भी खूब मजा आ रहा था और वो भी अपने दामाद के साथ अलग अलग पोजीशन में अपने खेत की जुताई करवा रही थी। उसी दिन से दोस्तों जितने दिन दामाद अपने ससुराल में रहता था उतने दिन विधवा सास अपने दामाद के साथ अपने खेत की जुताई करवाती थी और हर एक दिन उसे मजे लेती थी। एक दिन की बात है दोस्तों, करीब रात के 12 बज रहे थे, दामाद अपनी विधवा सास को घोड़ी के पोजीशन में ठोक रहा था तभी उसके सास की जोर जोर से आवाज़ निकल गई और बगल में उसका साला लेटा हुआ था तो उसकी नींद खुल गई और उसने जब माँ के कमरे में जाकर देखा तो वहाँ देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जब साले ने देखा कि उसकी विधवा माँ को उसका जवान जीजा घोड़ी की स्टाइल में ज़बरदस्त बजा रहा था तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों कुछ देर बाद साले को अपनी माँ और अपने जीजा का ये प्रोग्राम देखकर बहुत गुस्सा आया और फिर साला अपनी माँ और अपने जीजा के चलते प्रोग्राम के बीच एंट्री मार दिया और फिर उसने उस प्रोग्राम को बंद करवा दिया और अपने जीजा को पकड़कर उसकी पिटाई करने लगा। दोस्तों साले ने जीजा की जब तक पिटाई की जब तक जीजा की जान नहीं निकल गई और जब जीजा की मौत हो गई तो साला जीजा की लाश को वहीं पर छोड़कर वहाँ से फरार हो गया। जब सुबह हुई राहुल की पत्नी को सब पता चला तो राहुल की पत्नी ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की छानबीन करने लगी। दोस्तों काफ़ी छानबीन करने के बाद जब पता चला कि राहुल का साला घर से गायब है तो पुलिस वालों ने उसके साले की खोजबीन की और 2 दिन बाद साले को गिरफ्तार करके पूरी सच्चाई उससे पूछने लगी। तो पुलिस के डर के मारे साले ने अपने जीजा और अपनी माँ के कारनामों के बारे में बताया और फिर अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। उसके बाद पुलिस ने राहुल को हथकड़ी लगाया और आगे की कार्रवाई के लिए उसे जेल भेज दिया।
तो देखा आपने दोस्तों, एक दामाद अपनी बूढ़ी सास को रोज रात को उसकी इच्छा अनुसार उसके खेत की जुताई करता था। लेकिन एक दिन उसके साले ने सास और दामाद के इस खेल को देख लिया और फिर साले ने अपने जीजा को ही मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों, आप लोग भी ऐसी आपराधिक मानसिकता से दूर रहें, ऐसे आपराधिक मानसिकता रखने वाले लोगों की पहचान करें। दोस्तों, ऐसे लोग आपके आसपास रहते हैं उनकी पहचान करें, उनको अपने घर न आने दें, उन्हें अपनी बहन बेटियों से दूर रखें और अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने घर परिवार को सुरक्षित रखें, अपने यार दोस्तों को सुरक्षित रखें। और लगातार ऐसी घटनाओं के बारे में जानने और सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, कृपया आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार बने रहिए हमारे साथ और हमेशा देखते रहिए ASN क्राइम अफेयर।